के खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संचिता शुक्ला। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्रह चक्र में हम आपको तमाम ग्रहों से संबंधित समस्याओं से रूबरू कराते हैं, साथ ही आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ग्रह चक्र में आज हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने के बारे में, जिसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। न्यूज वर्ल्ड चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं तो उनका समाधान पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हमारे फोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कल से 18 तारीख से बोले जाए तो शनि मार्गी होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो शनि के मार्गी होने का क्या तात्पर्य है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शनि हमारे नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है और जहाँ शनि का नाम आता है वही जातकों की स्थिति कमजोर होने लगती है। शनि का नाम सुनते ही मनुष्य की कुंडली में भय की स्थिति व्याप्त हो जाती है। यदि कोई किसी को बता दे कि आपकी कुंडली में शनि वक्री है, शनि मार्गी है, शनि अस्त होकर पड़ा हुआ है, शनि नीच का है, शनि उच्च का है, तो जातक घबरा जाता है, क्योंकि शनि को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हमारे भारतीय ज्योतिष में भी है और भारतीय समाज में भी सबसे ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको आज कुछ चीज़ों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि आज का हमारा मूल विषय है शनि का वक्री होना और वक्री से वो मार्गी होना। आप देखिए, शनि हमेशा अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने तक वक्री गति से भ्रमण करते हैं और सितंबर से लेकर अप्रैल तक वो मार्गी हो जाते हैं। मार्गी होने का क्या तात्पर्य होता है? मार्गी होने को आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति सीधा चला जा रहा है अपनी चाल में, तो उसको हम अपने मार्ग पर चलना अर्थात मार्ग पर सतत रूप से भ्रमण करना, इसको मार्गी कहा जाता है। वक्री का अर्थ क्या होता है? ग्रह अपनी चाल से तो चल रहा है लेकिन वो अपनी दिशा को बदल लेता है अर्थात वो उल्टा हो जाता है। अर्थात आप ऐसा उसको समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने किसी रास्ते पर जा रहा है और यदि वो पीठ के सहारे आगे बढ़ रहा है अर्थात पीठ के जरिए वो पीछे चल रहा है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो उसका जो असर होता है वो थोड़ा सा घातक होता है। कहाँ आप टकराओगे, किस प्रकार से उस ग्रह का फल मिलेगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताऊं कि शनि की मार्गी गति बहुत सामान्य और बहुत शुभ फलकारी होती है, परंतु शनि की जो वक्र गति होती है और शनि की जो वक्री दृष्टि होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो शनि बहुत महत्वपूर्ण है और शनि का मार्गी होना भारत के लिए और सारे लोगों की कुंडली वाले जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पंडित जी, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं त्रिपुरा से। सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो, नाम बताएं सबसे पहले तो आप अपना। हेलो, उपाल जी बोलिए। मेरा नाम कृष्ण उपाल, त्रिपुरा उदयपुर गुमती डिस्ट्रिक्ट सर। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या जानना चाहते हो भाई? मेरा कुंभरा से इसका रिजल्ट क्या जानता हूँ। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यदि आप बता पाओ मैं उससे कुंडली बना लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 27/8/1964। 27/8/1964 64। हेलो, जन्म कुंडली नहीं, 27/8/1964। हेलो, 74। समय बोलिए अपना। 1974। बिल्कुल ठीक है। टाइम बताइए, टाइम आप बर्थ बोलिए। 74। आप कृष्ण गोपाल जी, सबसे पहले आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करें और फोन से ही पंडित जी से बात करें आप। टाइम बता दीजिए अपना, जन्म का। हेलो हेलो, संपर्क शायद हमारा टूट गया है पंडित जी उनसे, तो आप दोबारा कोशिश करें कृष्ण गोपाल जी, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे, आप सवाल करें और समाधान आप दोबारा पाएं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनू है हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सोनू, आपका सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं?
हेलो हाँ, मैं जी बहन जी, आप फोन से बात करिए और टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर लीजिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ पंडित जी, वो हमारे भाई और पिताजी और माता जी चतुर्दशी के दिन गए पिछले वर्ष। जी जी। तो अभी अभी श्राद्ध करना है। बिल्कुल श्राद्ध का, बिल्कुल श्राद्ध का ये कि हम तीनों के साथ में कर दें अमावस्या को। नहीं, आप तीनों का साथ में तो कर सकते हैं, परंतु मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप यदि श्राद्ध को हर तिथि के हिसाब से कर, हर माता जी गए। मैं आपकी बात को सुन पा रहा हूँ। मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ कि माता जी हैं, पिताजी हैं, या घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है, यदि हम सबको उनकी तिथियों के अनुसार श्राद्ध कर पाएं तो बहुत बेहतर होगा। और अभी आप नहीं कर पा रही हैं तो सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पे भी कर सकते हैं। अच्छा, उससे भी तो आपको लाभ कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो, करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं शनि के मार्गी होने के बारे में। जी। तो शनि मार्गी कब होंगे और कब तक रहेंगे, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं बतला रहा था कि मार्गी शनि का जो फल होता है वो बहुत शुभ और लाभकारी फल होता है। देखिए, मार्गी होंगे 19 तारीख यानी कल से, 19 सितंबर से वो मार्गी रहेंगे और अप्रैल के पहले सप्ताह तक वो मार्गी बने रहेंगे और उसके बाद वो वक्री हो जाते हैं। लगभग 180 दिन वो वक्री रहते हैं और 180 दिन वो मार्गी होते हैं। तो जिन दिनों में वो मार्गी होते हैं बहुत शुभ फलकारी होते हैं। मार्गी होने से उनका जो शुभत्व है उसमें वृद्धि हो जाती है। आप देख रहे हैं वर्तमान में शनि मेघेश हैं। हमारा जो वार्षिक जो मंत्रिमंडल है उसमें शनि जो है वो जल के देवता हैं इस बार, जिसके चलते आप देख रहे हैं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान को बाढ़ और बारिश के चलते जो है भयावह स्थिति में है। और आप देखेंगे इन दोनों क्षेत्रों पे, मध्य प्रदेश कन्या राशि का स्टेट है जहाँ पर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ था, जिसके चलते लगातार आप देख रहे हैं बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति आई हुई है और कई शहर डूबे पड़े हुए हैं। आज ही की घटना है, मुरैना, भिंड मुरैना और अम्बाह का पूरा इलाका डूबा पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे ये सब शनि की वक्री स्थिति के चलते था, क्योंकि शनि इस बार हमारे यहाँ जो मंत्रिमंडल है उसमें जल यानी मेघेश भी था। लेकिन आप देखिए कल से वो जब मार्गी होंगे तो आने वाले 15 दिनों में आप देखेंगे जल की जो आज स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। 2.5 साल में एक राशि को चलता है शनि, और शनि को मार्गी होने में भी 6 महीने लगते हैं। तो आप देखिए कि शनि मार्गी होगा, बुध आने वाले दिनों में तुला राशि में आगे भ्रमण करेगा, तो मुझे लगता है कि 4 अक्टूबर के बाद से वर्षा में जो परेशानी आ रही है, वर्तमान में वर्षा को लेकर जो बहुत सारी परेशानियां हैं वो परेशानी कहीं ना कहीं समाप्त होने जा रही हैं। और मार्गी होने से, शनि की मार्गी होने से जिनकी कुंडली में शनि मार्गी है उनको बहुत फल मिलेगा, जिनकी कुंडली में वक्री है उनकी कुंडली में भी उनको राहत अवश्य मिलेगी। पंडित जी, हमारे साथ कृष्ण गोपाल जी त्रिपुरा से दोबारा जुड़ रहे हैं। जी कृष्ण गोपाल जी, सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपको? मेरा राशि कुंभ राशि का, मेरा मैं त्रिपुरा से जन्म हूँ, रात 7/8/74 में चल रहा हूँ। समय बता दीजिए कृष्ण गोपाल जी, आप अपना जन्म। रात आठ बजे। ठीक है, रात 8 बजे त्रिपुरा मैंने ले लिया है। क्या जानना चाहते हो भाई? मेरा राशि में क्या फल जानना चाहता हूँ। देखिए, आपकी राशि कुंभ नहीं है, आपकी राशि पड़ती है धनु राशि। आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुए हैं। आपका जो जन्म का लग्न है वो मीन लग्न और धनु राशि है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है, सूर्य, बुध और मंगल ये सिंह राशि में बैठे हैं, शुक्र जो है वो कर्क राशि में है, चंद्रमा धनु राशि में है, बृहस्पति यानी गुरु कुंभ राशि में है, और राहु क्रमशः वृश्चिक और केतु क्रमशः वृषभ राशि में है। वर्तमान में आपके ऊपर जो विंशोत्तरी दशा चल रही है वो राहु की महादशा चल रही है, और राहु में राहु का ही प्रत्यंतर है। एक छोटा सा उपाय आपको बतलाना चाहूँगा, एक सिलोनी गोमेद यानी श्रीलंका का गोमेद आता है, आप उसको पहन लीजिए। उसका वजन लगभग 8 से 9 रत्ती के बीच का हो। सीधे हाथ की ये जो मध्यमा उंगली होती है, जो बड़ी उंगली जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप चांदी में जड़वाकर 9 से 10 रत्ती का सिलोनी गोमेद शनिवार को शाम 7 से 7:30 के बीच में धारण कर लें। मुझे लगता है एकदम
लाभ की स्थिति होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण गोपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर है, खरगोन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप नाम बताएं और सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोले अपनी। पंडित जी वो मेरी डेट ऑफ बर्थ 2264 है। 2264। हाँ, मेरी मम्मी के बारे में पूछना था, वो क्या हुआ कि उनका देहांत तो हुआ था 14 के दिन। अच्छा, और अमावस्या के दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो अमावस्या को कर दें क्या सबके श्राद्ध? बिल्कुल, आपको अमावस्या के दिन ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पंडित को बुलाइए और आप उनसे तर्पण, पूरा तर्पण करवाइए और तर्पण के साथ मार्जन और संभव हो तो पिंडदान यदि वो कर पाए, 14 हाँ। पिंड उन दान करना पड़ेंगे आपको। और खरगोन हाँ। के आसपास कहीं ना कहीं नर्मदा बहती है, तो यदि हाँ। आप नर्मदा किनारे जाकर पिंडदान का कार्यक्रम कर पाए, हालांकि बारिश हाँ। बहुत हो रही है, कोशिश करें हाँ। यदि आप कर पाए तो मुझे लगता है आपकी माता जी को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। तो भैया का भी है और पिताजी का भी है, सबका कर दें आप सर्व पितृमोक्ष अमावस्या को, और सबके नाम से आप 11-11 पिंडों का दान कर दें, मुझे लगता है कि सभी को शांति मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी आप हमें शनि के मार्गी होने के बारे में बता रहे हैं, तो भारत में इसका क्या असर होगा राजनीतिक और आर्थिक और भौगोलिक स्थिति पर, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की जो कुंडली है, भारत एक वृषभ राशि का देश है, वृषभ लग्न का देश है, कर्क राशि भारत की है और पुष्य नक्षत्र में भारत का जन्म हुआ। भारत का जो जन्म नक्षत्र है पुष्य, उसका जो स्वामी है वो शनि ग्रह है, और जब शनि स्वामी होता है तो आप मानकर चलिए कि बहुत लाभकारी होता है, और शनि का मार्गी होना भारत के लिए बहुत शुभ और बड़ा लाभकारी है। तो मैं आपको बताऊं भारत के ऊपर इसका बड़ा लाभकारी निर्णय होगा। देखिए वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बेहद कमजोर बनी हुई है, अर्थव्यवस्था को लेकर परेशानी, और आपने खास तौर से देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो बिल्कुल ही रिसेशन यानी मंदी का दौर चल रहा है। तो आप देखेंगे कि कल से जैसे ही 19 तारीख से शनि मार्गी होगा, आप देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एकदम बाहर आने वाली है, आने वाले जो 4 से 5 महीने ही ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत लाभकारी हैं। और हिंदुस्तान की कुंडली में शनि चूंकि बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट है, शनि आप देखिए कि भाग्येशो कर्मेश है, तो भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मजबूत होगी। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह है गुरु, वो इस समय अष्टम भाव में चल रहा है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था अभी 1.5 साल तक मंदी के दौर में रहेगी। परंतु मैं आपको बताऊं कि शनि के मार्गी होने से मंदी में कुछ कमी अवश्य देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं भारत का जो प्रभाव है, और एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि 19 तारीख से कल से शनि मार्गी हो रहा है, तो आप देखेंगे कि अमेरिका में भारत का डंका बजने वाला है। नरेंद्र मोदी की स्थिति अमेरिका में बहुत मजबूत होगी, और आप देखेंगे कि वो वहां से बहुत ढेर सारी उपलब्धियां लेकर भारत लौटने वाले हैं। पंडित जी ये तो अभी आपने बताया कि भारत पर क्या स्थिति रहेगी शनि के मार्गी होने पर, और भी हम आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, चंकी पंड्या है धार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें, आप क्या जानना चाहते हैं? जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण चंकी भाई। पंडित जी आपसे निवेदन ये था कि करियर को लेकर पूछना था कि करियर में आगे क्या होगा, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है? बिल्कुल चंकी भाई, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, आप जो है मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता दीजिए। 23/5/90 का जन्म है मेरा, और हरसुत जो है हरसुत में है जन्म मेरा, जिला खंडवा में जो आता। बिल्कुल ठीक है, जन्म समय और बता दीजिए अपना। जन्म समय मेरा 1:10 दोपहर में है। ठीक है, हरसुत मैंने ले लिया है जी। सिंह लग्न और मेष राशि के जातक हैं, करियर को लेकर आपका प्रश्न है सबसे ज्यादा जी। तो देखिए आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र, मंगल चूंकि आपका भाग्येश है अष्टम भाव में पड़ा है, कर्मेश शुक्र वो भी अष्टम भाव में पड़ा है, जिसके कारण आप मेहनत तो बहुत करते हैं परंतु लाभ की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो पा रही। क्या करना चाहिए जिससे आपको एकदम लाभ मिले? तो सबसे पहले आपको एक 10 रत्ती का देसी मूंगा सीधे हाथ की तीसरी उंगली यानी अनामिका में तांबे में जड़वा कर पहनिए, और इसी के बाजू वाली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं, जो पहली उंगली है,
इसमें आप एक ओपेल रत्न जिसका वजन 20 रत्ती का हो तो ओपेल अच्छा। धारण कर लीजिए। मंगल और मूंगा और ओपेल धारण करने से न केवल आपका भाग्य मजबूत होगा अपितु आपके काम काज में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चंकी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। आप उसे पंडित जी ने जो आपको उपाय बताए हैं उसको अपनाएं, जरूर है आपको आपकी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। पंडित जी अभी आपने भारत के दृष्टिकोण से भी बताया कि उस पर शनि मार्गी होने पर क्या असर पड़ेगा, साथ ही 12 राशियों पर भी क्या असर होने वाला है शनि के मार्गी होने का, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी को बतला देता हूँ क्या असर होगा। देखिए मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर वर्तमान में धनु राशि में भाग्येश है और कर्मिश भी है आपकी कुंडली में, तो शनि का मार्गी होना आपके लिए बेहद लाभकारी है। कामकाज में सफलता मिलेगी, मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा और सबसे बड़ी बात, जिन कार्यों को लेकर आप परेशान थे, जो आपके अटके हुए काम थे, वो सारे बनने जा रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि पर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ था, लेकिन कल से शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत शुभ फलकारी है। वो ढैया की जो अशुभ दशा थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी, कामकाज में बाधाओं में कमी आएगी और कहीं ना कहीं आपको मानसिक प्रसन्नता अवश्य बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में जो खटास आई हुई थी वो प्रेम संबंधों की खटास अब दूर होने जा रही है। बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन की। मिथुन राशि वाले जातकों की कुंडली में सप्तम भाव में शनि का वक्री होना वैवाहिक प्रेम संबंध और पार्टनरशिप के कामों में कहीं ना कहीं बाधाएं अटकाता था और आपकी कुंडली में भाग्येश भी है, तो अब आपके भाग्य में अवरोध समाप्त होंगे, भाग्य उन्नति होगी और प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता अवश्य आ सकती है। कोई कॉलर है? नहीं पंडित जी, हम इसे ही आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं अगली राशि यानी कर्क को लेकर आपको बताना चाहूंगा। देखिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत जोरदार है, क्योंकि छठे भाव में शनि का मार्गी होना विरोधी पक्ष को कहीं ना कहीं बेहद कमजोर बनाता है। कामकाज में उन्नति होगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा और एक और सबसे बड़ी बात, कुछ बड़ा होने वाला है कर्क राशि वाले जातकों, आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में शनि सप्तम भाव का कारक होता है और उसका पंचम भाव में बैठ के वक्री होना अशुभ था, लेकिन मार्गी होने से पिता संतान शासकीय अशासकीय और आपके जो उच्च पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्रसन्न अवश्य होंगे। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। तो देखिए कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का अशुभ ढैया बना हुआ था जिसके चलते काम में बाधाएं आ रही थी, मुझे लगता है कि वो बाधाएं कल से समाप्त होंगी। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, काम काज में उन्नति और अवरोध समाप्ति के अवसर बन रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तो देखिए तुला राशि वाले जातकों की कुंडली में पराक्रम भाव में शनि वक्री था जो लाभ नहीं दे रहा था, परंतु मार्गी शनि मित्रों परिजनों और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत सारे अवसर आपको प्रदान करने जा रहा है। मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा और कामकाज में लाभ की स्थिति अवश्य बनेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए वृश्चिक राशि से शनि द्वितीय भाव में 7.5 में वक्री होकर घूम रहा था जिसके चलते कामकाज में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, धन प्राप्त नहीं हो पा रहा था, घर परिवार में किसी भी तरह से अशांति का माहौल बना हुआ था। कल से मार्गी होने से घर परिवार के लोगों से संबंध वापस बनेंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा, काम काज में उन्नति के अवसर बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी बात, मन आपका अब पहले से ज़्यादा खुश अवश्य रहेगा। धनु राशि, देखिए धनु राशि में ही शनि वक्री था और शनि के वक्री होने के चलते मानसिक परेशानी, संताप, वैवाहिक संबंध और कहीं ना कहीं मित्र परिजन आपको परेशान कर रहे थे, उन सारी परेशानियों से अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है। मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा, काम काज में उत्तरोत्तर उन्नति अवश्य होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों का स्वामी शनि है और शनि का 12वें भाव में भ्रमण कहीं ना कहीं खर्च में बढ़ोतरी कर रहा था, परेशान कर रहा था, मानसिक तनाव दे रहा था, वो सारा तनाव और परेशानी अब दूर होने जा रही है। कुल मिलाकर पहले की तुलना में कल के बाद का समय बहुत बेहतर रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए कुंभ राशि का राशि स्वामी शनि एकादश भाव में वक्री था, अब मार्गी हो रहा है तो धन के नए नए स्रोत बनेंगे, प्रवाह बनेगा, संतान से शुभ समाचार मिलेगा, शासकीय अशासकीय पक्ष आपसे प्रसन्न होगा और एक चीज, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। तो देखिए मीन राशि से शनि जो है वर्तमान में
दशम भाव में गोचर रहा था, कामकाज बिल्कुल नहीं बन रहा था, काम में लगातार बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, निवेश कहीं ना कहीं घातक और कमजोर बना हुआ था। मुझे लगता है कल के बाद से निवेश में लाभ होगा, कामकाज में उत्तरोत्तर उन्नति होगी और एक और चीज, आय अचानक आय के प्राप्त होने की संभावना बनती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी तमाम जानकारी के लिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा किया, साथ ही दर्शकों के सवालों का भी आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे हम एक नए विषय के साथ में, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।